सब खरीत से होंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खरीत से हूँ। आज मैं नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि रमजान शरीफ शुरू है तो मैंने सोचा कि रमजान शरीफ में दस्तरखान पर चटपटी चीजें तो बहुत मजा आता है खाने में, बच्चे भी शौक से खाते हैं। स्पेशल मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ ताकि बड़े भी इंजॉय करें, बच्चे भी खाएं, लाइट भी बना रही हूँ। बहुत इजी रेसिपी है, जरूर ट्राई करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलें इस तरीके साथ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो नए देखने वाले हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियोस नई रेसिपीज आप तक आसानी पहुंच जाए। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद कीजिएगा व्यूवर्स। तो चलिए व्यूवर्स, आज मैं किचन में क्या बना रही हूँ, आज मैं किचन में बना रही हूँ, आप इसे मिनी रोल भी कह सकते हैं, छोटे छोटे रोल, बच्चे खुश होंगे कहकर आप इसे नमकीन बकलावा भी कह सकते हैं। जिस तरीके से मैं बनाऊंगी यकीनन आप बहुत खुश होंगे मुझे ये रेसिपी देखकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दो तैयार करते हैं। ये 2 टेबलस्पून मैं ऑयल डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 टीस्पून मैंने लिया है कलवंजी, 1/2 टीस्पून ही मैंने लिया है ये अजवाइन और 1/4 टीस्पून मैंने लिया नमक। ये मैं इसमें डालूंगी ऑयल में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तीनों चीज़ों को मैं मिक्स करती हूँ, अजवाइन, कलवंजी और नमक को। 1.5 कप मैदा ये मैं इसमें डालूंगी, छान लिया मैंने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं अच्छी तरह हाथों की मदद से तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छी तरह मिक्स करूँगी। देखें इतना मैंने मसला इसको हाथों से कि ये देखें मुट्ठी में आ रहा है ये इस तरह। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर टाइट यानी सख्त डो तैयार करती हूँ, हाजिर होती हूँ मैं बाद में। ये मैंने डो तैयार कर ली, से 10 मिनट रेस्ट के लिए रखते हैं, तो इतनी देर में ये हम मसाला तैयार कर लेते हैं, फिलिंग तैयार करते हैं। यह मेरे पास 2 दत आलू लिए थे मैंने, इनको बॉयल कर लिया नमक डाल के, थोड़ा सा नमक डाला है तो मैंने मैश कर लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप व्यूअर्स मेरे पास रेशा रेशा किया हुआ चिकन है, ये डाल रही हूँ इसमें, बिस्मिल्लाह। ये मेरे पास मसाले हैं, ये अमचूर 1/2 टीस्पून है, दड़ा मिर्च 1/2 टीस्पून है, ओरिगानो मेरे पास 1/4 टीस्पून है, ये है सूखा धनिया पिसा हुआ ये 1/2 टीस्पून है, और ये है मेरे पास बेसन, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। नमक हसबे जायका हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमने डो में भी डाला है और आलुओं में भी, और ये सूखा वो ज़ीरा है मेरे पास, इसे मैंने हाथों से मसल कर डाला, ये मैं इसमें डालती हूँ। हरी मिर्च है 1 अदद, ये डाली है इसमें मैंने। ये चॉप किया हुआ प्याज है 1 अदद मीडियम साइज़, ये डाल रही हूँ इसमें मैं। ये धनिया 2 टेबल स्पून डाला है मैंने, शिमला मिर्च है 2 टेबल स्पून ये डाली है मैंने। अब मैं इनको अच्छी तरह हाथों से मसल मसल कर इनको मिक्स करती हूँ अच्छी तरह मसाले को। बस ये देखिए हमारी डो तैयार हो चुकी है माशाल्लाह अच्छी तरह। तो ये मैंने थोड़ा सा डस्ट किया इसके ऊपर मैदा। अब हम इसके 2 पार्ट करेंगे सेम एक जैसे। अब हम इसकी रोटी बेलते हैं, पतली रोटी बेलनी है हमने। रोटी बेल ली है ये देखें। अब ये जो मैंने फिलिंग तैयार किया इसको हम इस पूरे के ऊपर फैला देंगे। तो चलें अब हम अगला स्टेप क्या है जनाब, इसको हम इस तरह उठाएंगे, ये देखें आप इस तरह, ये सख्त आपने ये ना हो कि ढीली हो, इस तरह आपने इसको फोल्ड करते जाना है, ये इधर से ज़रा दबा देनी हमने, जिस तरह हम आरी चलाते हैं ना उस तरह हमने इसकी कटिंग करनी, ऐसे यकदम नहीं कर देनी। ये 2-2 इंच के हम ये इस तरह पीसेस कर लेंगे सारे रोल के। तो व्यूअर्स अब आप सोच रहे होंगे कि जनाब
ये इधर से ये मिक्सचर जो अमेजा फिलिंग है ये निकल सकती है, तो इसका भी हाल मैंने ढूंढ लिया है। तो चलें फ्राई करते हैं अब हम। ये हाफ कप मैंने इसमें पानी डाला, अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ मैं। इसमें हमने कुछ नहीं डालना, सिर्फ चुटकी नमक मैंने डाला है, 2 टेबल स्पून मैंने मैदा डाला और 1/2 कप पानी का। तो चलिए मैं बस ये इसमें मैं डालती हूँ, डिप कर लिया मैंने। बिस्मिल्लाह बस ये देखें फीलिंग बिल्कुल बाहर नहीं आई, चेक कर सकते हैं आप। ये देखें चल दीजिए अभी बस मैंने फ्राई कर ली है। हाफ में बाद में बनाऊंगी, पहले मैं वीडियो तो बनवा लूं। तो चले व्यूअर्स, जबरदस्त रेसिपी रेडी है, मिनी रोल या नमकीन बकलावा। तो मैं आपके साथ दुबई का बकलावा स्वीट डिश भी आपसे शेयर करूंगी। तो चले मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। चले जी ये कट करती हूँ मैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें ये देखें। चले भी बस इसे के साथ इजाजत चाहती हूँ, नेक्स्ट टाइम मेरी रेसिपी के साथ आ जरूर। इजाजत दे, खुदा हाफिज़।